हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबू एमजे ब्लॉग्स। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले किया सोनेट के सारे वेरिएंट्स की वेटिंग की। यदि आपने किया सोनेट को बुक कर रखा है और यदि आप उसको बुक करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। और आपने अभी तक हमारे चैनल बीबू एमजे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऑटो से रिलेटेड न्यूज आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने किया सोनेट बुक किए और यदि आप किया सोनेट बुक करने की सोच रहे हैं और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी लंबी सांस ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी गाड़ी का बहुत इंतजार करना पड़ेगा। किया सोनेट के सारे मॉडल्स में 7 वीक से लेकर 19 वीक तक की वेटिंग बनी हुई है। हम हर मॉडल में हर वेरिएंट वाइज पावर ट्रेन ट्रांसमिशन और ट्रिम के हिसाब से आपको वेटिंग पीरियड इस वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जीटी लाइन से। तो हम जीटी लाइन के G1.0 TDI पेट्रोल इंजन की बात करें जीटी लाइन में, तो उसके IMT ट्रांसमिशन के GTX प्लस ट्रिम में 7 से 8 वीक की वेटिंग मिलेगी। वहीं ऑटोमेटिक GTX प्लस 7 DCT में 6 से 7 वीक की वेटिंग मिलेंगी। वहीं GT लाइन 1.5 CIDI डीजल इंजन की बात करें तो उसके मैनुअल GTX प्लस ट्रिम में आपको 14 से 15 वीक की वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट की बात करें तो GTX प्लस ऑटोमेटिक आपको 16 से 17 वीक की वेटिंग का आपको सामना करने लगेगा। वहीं अब हम लोग टेक लाइन की बात करते हैं तो वहां आपको स्मार्ट स्ट्रीम G1.2 पेट्रोल इंजन जो मैनुअल IMT और ऑटोमेटिक तीनों में आता है। वहीं यदि हम लोग मैनुअल STE बेस मॉडल की बात करें तो उसमें आपको 19 से 20 वीक का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं STE के प्लस में भी आपको 19 से 20 वीक का इंतजार करेगा। वहीं हम लोग IMT की बात करें तो IMT STE के प्लस में आपको 17 से 18 वीक की, IMT STX में 9 से 10 वीक की, IMT STX प्लस में 7 से 8 वीक की वेटिंग मिलेगी। वहीं ऑटोमेटिक STK प्लस 7 DCT में 15 से 16 वीक की वेटिंग का सामना करना आपको पड़ेगा। तो टेक लाइन में 1.5 CIDI डीजल इंजन की बात करें तो उसके मैनुअल STE वेरिएंट में 16 से 17 वीक, STK में 17 से 18 वीक और STK प्लस में 18 से 19 वीक और STX में 19 से 20 वीक और STX प्लस में 19 से 20 वीक और ऑटोमेटिक STK प्लस ऑटोमेटिक में 18 से 19 वीक का आपको वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। तो आपने यदि किया सोनेट के किसी भी मॉडल को बुक किया है या आप बुकिंग करने की सोच रहे तो आपको बहुत ज़्यादा भारी वेटिंग का सामना करने के लिए आप लोग तैयार रहिए और कंपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी मिले, लेकिन आपको वेटिंग का सामना उसमें करना पड़ेगा। यही वीडियो था जो हमने आपके लिए लाए थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।